मेरी जितनी यानी 52 साल की उम्र में लोग बूढ़ा होने के बारे में सोचने लगते हैं। कई वैज्ञानिक बुढ़ापे को बीमारी मानते हैं, ऐसी बीमारी जिससे लड़ा जा सकता है। तो इसे 100 साल जीने की संभावना पैदा होती है, वो भी जवान रहते हुए। लेकिन पहले मैं अपने बारे में कुछ डेटा जुटाना चाहता हूँ। इस छोटी सी किट की कीमत $169 है और इसकी भारी मांग है, लेकिन इसके लिए सैंपल देना थोड़ा सा अजीब है। मुझे इस शीशी को इस निशान तक अपनी लार से भरना है। अगला कदम है मेरी बायोलॉजिकल उम्र का पता लगाना, यानी मेरी असल उम्र, जो शायद उस उम्र से अलग हो जो मेरे पासपोर्ट पर दर्ज है। हो सकता है कि मैं जितना समझता हूँ उससे बहुत छोटा हूँ या बहुत बड़ा। लेकिन ये टेस्ट कैसे काम करता है? यह एपिजेनेटिक बदलावों यानी डीएनए के बदलावों पर आधारित है। बियोर्न शूमाखर बायोलॉजिकल घड़ी पर काम करने वाले एक नामी रिसर्चर हैं। डीएनए एक बदलने वाली चीज है और इन बदलावों को ठीक ठीक नापा जा सकता है। अब सैंपल हांगकांग की लैब में जाएगा। टेस्ट के नतीजे आ गए हैं और मैं अपने पासपोर्ट पर लिखी उम्र से ज्यादा बड़ा हूँ। लेकिन मैं इसे नहीं मानता, खासकर अगर आप इस दौर के सबसे ज्यादा मांग वाले एंटी एजिंग इलाज NMN के ऑनलाइन विज्ञापनों पर ध्यान दें, जो बिना किसी डॉक्टरी सलाह के उपलब्ध हैं। NMN एक मॉलिक्यूल है जो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। आप बूढ़े तो होते हैं लेकिन इससे फिट महसूस करते हैं। इसकी एक साल की खुराक की कीमत लगभग €500 है। तो क्या मुझे ये लेनी चाहिए? कुछ हफ्ते पहले ही सब बिक गया। कनाडा की क्रिस्टाबेल मायर NMN बेचने वाले शुरुआती लोगों में से थीं। मुझे लगता है कि महामारी के चलते अलग अलग वायरसों से लड़ने और बेहतर जीवन जीने को लेकर निश्चित तौर पर लोगों ने सोचना शुरू किया है, यानी नजरिए में काफी बदलाव आया है। NMN का मतलब होता है निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, और ये पूरे शरीर पर असर करती है। कोशिकाओं के स्तर पर पहुंचकर ये NAD में बदल जाती है, जिसे अक्सर जवानी का मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। इसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी, डीएनए को दुरुस्त करने की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी, और इस तरह आप जवान रह सकते हैं। YouTube पर NMN को लेकर बहुत से वीडियोज हैं। NMN मार्केट को लेकर काफी खबरें हैं। बड़े रोचक सप्लीमेंट आ रहे हैं और इसके पीछे अच्छी वजह है। मैंने इतनी एनर्जी पहले कभी महसूस नहीं की। NMN इस्तेमाल कीजिए, मैंने भी किया है। हम इसके साइड इफेक्ट्स नहीं जानते, तो क्या इसका बिजनेस ठीक है? मैं ऐसा नहीं समझती। इंसानी ज्ञान बढ़ रहा है, तो अभी इस बारे में 3 ऐसी स्टडीज सामने आई हैं और अभी तक इसके साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। हालांकि अब भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि यह लोगों को बुढ़ापे में स्वस्थ रखता है और इंसानों की जिंदगी को लंबा कर देता है। लंबे समय तक चलने वाले अध्ययन ही बता पाएंगे कि NMN बायोलॉजिकल घड़ी को धीमा या इसे उल्टी दिशा में घुमा सकते हैं। बुढ़ापे से जुड़ी रिसर्च में काफी दिलचस्प बातें सामने आई हैं, लेकिन मैं तो अभी NMN जैसी चीजों से दूर ही रहूंगा, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है।